नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके साथ हक्का नूडल की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं हम इसकी रेसिपी। हक्का नूडल मार्केट में चिंग्स कंपनी की मिलती है, लेकिन ये वाली भी हम यूज़ कर सकते हैं जो हमें मार्केट में ईजिली मिल जाती है। इसके मैंने 1.5 पैकेट निकाल कर रख लिए हैं। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई को हाई फ्लेम पर रख देंगे। इसमें हम 3 कप पानी ऐड करेंगे। जितनी आपकी नूडल्स हों उसका डबल आप इसमें पानी रखिए। अब हम इसे ढक्कन लगा कर रख देंगे ताकि इसमें उबाल आने लगे। 1 मिनट बाद इसमें उबाल आने वाला है, जब तक हम इसमें नमक डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे। रिफाइंड तेल यूज़ किया मैंने इसमें। थोड़ी देर के लिए हम इसे फिर से ढक्कन लगा के रख देंगे। लीजिए, हमारा पानी खौल चुका है। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। नूडल्स हमें हमेशा खौलते हुए पानी में ही डालना है, इससे हमारी नूडल्स चिपचिपी नहीं बनेगी। अब हम एक ढक्कन लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम इसे चेक कर रहे हैं एक फ़ॉर्क की हेल्प से, और हम एक नूडल्स उठाएंगे और उसे हम तोड़ कर देखेंगे कि हमारी नूडल्स अच्छे से पकी है कि नहीं। नूडल्स के बीच में देखिए थोड़ा सा वाइट पोर्शन अभी दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारी नूडल्स अभी कच्ची है। इसे हम फिर से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक कर रख देंगे पकने के लिए। बस अब हम इसे चेक करेंगे। 5 मिनट बाद हमारी नूडल अच्छे से पक चुकी है, और अब हमने गैस बंद कर दिया है। इसे हम एक छन्नी में निकाल लेंगे, इसका पानी बाहर कर देंगे और इसे 2-3 बार पानी से धो लेंगे। और अगर आप इसे 2-3 घंटे के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसमें 1-2 चम्मच तेल लगाकर इसको रख दीजिए मिक्स करके। इससे हमारी नूडल्स चिपचिपी नहीं होगी। इसके लिए हमने एक हरी मिर्ची ली है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 1 मीडियम साइज़ की गाजर ली है, 1 मीडियम साइज़ की कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ली है, और पत्ता गोभी आपको जितना यूज़ करना हो। अब हम सारी सब्जियों को बारीक बारीक काट लेंगे। ये मैं हरी मिर्ची काट रही हूँ सबसे पहले। इसके लिए हम सब्जियों को पतले और लंबे स्लाइस में ही काटें, क्योंकि चाउमीन के आकार के हिसाब से ही हमें सब्जी काटनी होगी। और इस तरीके से अगर हम काटेंगे तो हमारी सब्जी जल्दी पक जाएगी। अब हम प्याज को भी पतले स्लाइसों में काट लेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी लेयर निकाल देंगे एक एक करके। अब हम गाजर काट रहे हैं, गाजर को भी हमें इस तरीके से काटना है। ये काफ़ी हेल्दी डिश है, इसलिए हम इसमें सब्जियों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम किसी भी तरीके के सॉस वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, कोई विनेगर वगैरह नहीं डालेंगे। अब हम पत्ता गोभी को भी पतले स्लाइस में काट लेंगे इस तरीके से। लीजिए, हमारी सब्जी सारी कट चुकी है। अब हम एक कढ़ाई रखते हैं हाई फ्लेम पर। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल रहे हैं, रिफाइंड तेल। जब हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल रहे हैं। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। अब हमने इसमें अनियन डाल दिया है, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए हम इसमें गाजर मिलाएंगे। गाजर को भी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमने इसे पहले डाल दिया। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल रहे हैं। नमक इसमें हमें एक ही बार डालना है। सब्जी के साथ नमक डालने से पूरी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सब्जी भी जल्दी से कुक हो जाएंगी। अब 1 से 2 मिनट बाद हमने इसमें कैप्सिकम ऐड की यानी शिमला मिर्च। अब हम इसमें पत्ता गोभी ऐड कर रहे हैं 1 मिनट बाद। पत्ता गोभी हम सबसे लास्ट में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसकी क्रिस्पी या क्रंचीनेस ख़त्म ना हो जाए, इसे हमें थोड़ा सा कुरकुरा ही रखना है। 40 सेकंड बाद हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नूडल्स मिलाएंगे। हमें सब्जियों को पूरी तरीके से नहीं भूनना है, इसे हमें आधा कच्चा रखना है। अब हम इसमें चाउमीन ऐड कर रहे हैं।
अब हम एक चमचे और एक कांटे वाली चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमारी सारी चाउमीन और सारी सब्जी एक दूसरे से मिक्स हो जाएगी। अब इसमें हम एक छोटी चम्मच काली मिर्च ऐड कर रहे हैं, ये मैंने कूट ली है, कम से कम 10 मिर्ची। अब हम डेढ़ बड़ी चम्मच हक्का नूडल मसाला डाल रहे हैं, ये चिंग्स कंपनी का है, मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिंग्स मसाले में सारी चीज़ें होती हैं, हल्का सा सॉल्ट, अजीनोमोटो और भी सारे मसाले, इसलिए हम इसमें और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी चाउमीन बन चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।